सीरियसली इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है कि काफी मेहनत करके इन मूवीज को हाइप बनाना पड़ रहा है। रीजन आप सबको पता ही है कि 80% ऑफ द हाइप डंकी ने ही ले लिया है। एक पोस्टर या फर्स्ट लुक या टीजर कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी पूरा हाइप डंकी के पास है। डंकी का इतना हाइप देखकर सलार के मेकर्स ने सोच लिया कि डंकी के साथ क्लैश करने का, और उसी के वजह से उस मूवी को इतना हाइप मिल गया है। पर अब सबसे बड़ी बात, गणपत, एनिमल और टाइगर 3 में अगर कोई मेजर ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है तो वो है सिर्फ टाइगर 3 और एनिमल। गणपत की बात मैं नहीं करूंगी, उसका ट्रेलर देखने के बाद उसको इतनी गाली मिली है कि टाइगर श्रॉफ का हाल बहुत जल्द अर्जुन कपूर जैसे होने वाला है। गाइस, टाइगर 3 सलमान खान की मच अवेटेड मूवी। टाइगर 3 सलमान खान की करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा मूवी है, क्योंकि 2018 से अब तक सलमान खान को एक भी हिट नहीं मिल पाया है। दबंग 3 रात है, किसी का भाई किसी की जान, इन सारे घटिया मूवीज करने के बाद वो अब मूवीज नहीं करते, वो अब चैरिटीज करते हैं जिसे बेरोजगारों के लिए काम मिल जाता है एक्टिंग के नाम पर। अब वो अपने फैंस को बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड ले रहे थे, तो अभी उन्हें ये बात समझ में आ गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका हाल भी आमिर खान जैसे हो जाएगा, जो एक्टर कम और प्रोड्यूसर ज्यादा बन गए हैं। उससे बड़ी बात, टाइगर 3 का जो लेटेस्ट पोस्टर आया है उसमें सलमान खान बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। कटरीना कैफ का भी लुक इस पोस्टर में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब प्रमोशंस में लग गया है YRF, और ऐसे प्रमोशंस की प्लानिंग हो रही है जैसे कि टाइगर 3 को पठान और जवान का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना ही होगा। टाइगर 3 वर्ल्ड कप के दौरान रिलीज हो रहा है, और इससे डरे बिना बल्कि YRF ने वर्ल्ड कप को अपना हथियार बना लिया है। हर एक इंडिया के मैच में टाइगर 3 का प्रोमो दिखाया जाएगा, जिसके जरिए मूवी का हाइप बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब डंकी जो इतना हाइप लेकर बैठी है, तो सलमान खान को अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ये प्रमोशनल स्टेप उठाना पड़ा। अब ये प्रमोट करने का बहुत ही अच्छा आइडिया है टू रीच द मास लेवल ऑडियंस। टाइगर का मैसेज बहुत ही अच्छा था, यानी कि टाइगर का टीजर बहुत ही अमेजिंग था। 10th नवंबर को आ रहा है टाइगर 3, और 11 को मालूम पड़ेगा कि टाइगर 3 पठान का ओपनिंग डे रिकॉर्ड 57 करोड़ या जवान का ओपनिंग डे रिकॉर्ड 65 करोड़ को तोड़ सकती है या नहीं। एक बात बता दूं, टाइगर 3 में खुद पठान है टाइगर 3 की मदद करने के लिए, वो भी केमियो रोल में, तो इस मूवी को हल्के में ना लिया जा सकता। अब सबसे ज्यादा हाइप खाकी जो मूवी बैठी है डंकी वर्सेस सलार, एक तरह का जंग छिड़ गया है फैन बेस में। इस पर मैं एक अलग सा वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी, लेकिन अभी के लिए एक मेजर न्यूज सामने आया है कि सलार का 2 ट्रेलर नहीं बल्कि एक ही ट्रेलर आएगा। प्रशांत नील नहीं चाहते हैं कि ट्रेलर के जरिए मूवी का स्टोरी और बिल्डअप लोगों को ज्यादा पता चले। वैसे भी सलार का अब इतना हाइप बन गया है तो इनको तो 2 ट्रेलर लाने की जरूरत ही नहीं है। काफी हेटर्स ये बात फैला रहे हैं कि डंकी पोस्टपोन हो गई है, पर मैं कह दूं ये बात झूठ है। डंकी 22 दिसंबर को ही आएगी और नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। शेर और डायनासोर की लड़ाई है, और देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। सो गाइस, ये था टाइगर 3 सलार और डंकी का अपडेट। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ा सपोर्ट करो और वो घंटी बजा दो यार। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।